बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। आज हम चैप्टर 3 का कंप्लीट रिव्यू लेंगे। चैप्टर 3 हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने स्टडी किया था। सब टॉपिक्स इसके हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने फार्माकोपिया के बारे में पढ़ा था, कंपेंडिया के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कंपेंडिया, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स क्या हमने डिटेल में स्टडी की थी। आज मैं इसका क्विक रिव्यू दूंगी, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो चुका था हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर। स्टार्ट करते हैं फार्माकोपियाज से। स्टार्ट करते हैं कि फार्माकोपियाज में हमने क्या स्टडी किया था। आपको याद होगा कि फार्माकोपिया के बारे में मैंने बताया था कि फार्माकोपिया वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड से फार्माकोन। फार्माकोन वर्ड से निकला है फार्माकोपिया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स एंड प्योन का मतलब है मेक, कि किस तरह ड्रग बनाई जाती है, किस तरह उसे मेडिसिन में ढाला जाता है। तो उस वर्ड से निकाला गया है फार्माकोपिया। फार्माकोन से निकला है फार्माकोपिया, और इसका मतलब होता है ड्रग एंड प्यून का मतलब होगा मेक। तो हम अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फार्माकोपिया की डेफिनेशन, तो द बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नोन एज अ फार्माकोपिया एंड फॉर्मूलरी। मीन्स कि ऐसी किताब जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, साथ के साथ में ड्रग से रिलेटेड तमाम स्पेसिफिकेशंस भी उसमें शामिल हों, हम उसे फार्माकोपिया कह रहे होते हैं। या हम कह रहे होते हैं कि द बुक कंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर नोन एज अ फार्माकोपिया एंड फार्मूलरी। ये इसकी डेफिनेशन होगी। फार्माकोपिया है क्या? ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ड्रग एंड फार्माकोपिया, क्योंकि दो वर्ड का मजमू है फार्माको एंड पियो। तो फार्मा को लिया गया है फार्माकोन से, जिसका मतलब है ड्रग, एंड प्यून लिया गया है जिसका मतलब है मैक, किस तरह ड्रग बनाई जाती है, मेडिसिन किस तरह बनाई जाती है। तो फार्माकोपी हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक और टर्म जो था कंपेंडिया। कंपेंडिया के बारे में हमने स्टडी की थी, और जिसमें हमने ये पढ़ा था, मैंने अब जब आपको फार्माकोपिया की डेफिनेशन बताई थी, तो साथ के साथ इसकी एक और तरह भी डिफाइन करना बताया था, जिसमें था कि अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस रिगार्डिंग देयर सोर्सेज, डिस्क्रिप्शन, टेस्ट, फार्मूलाज ऑफ प्रिपेइंग, एक्शन एंड यूजेस, डोजेस, स्टोरेज ऑफ कंडीशंस। ये तमाम चीज़ें जिस किताब के अंदर दर्ज होती हैं, जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है जो किताब, उसको हम फार्माकोपियाज कहते हैं। या लिस्ट ऑफ ड्रग्स का जिक्र आता है तो फार्मोलरीज भी हम उसे कहते हैं। डिफरेंट हॉस्पिटल्स की फार्मोलरीज बनी होती हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल में मौजूद ड्रग्स की लिस्ट या मेडिसिन की लिस्ट होती है, जो डॉक्टर वहाँ पर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं मेडिसिन, और वहाँ की डिस्पेंसरी या फार्मेसी पे वो मेडिसिन अवेलेबल भी हों, उनकी एक लिस्ट बना दी जाती है, उसको हम हॉस्पिटल फार्मोलरीज कह रहे होते हैं। यहाँ पे हम फार्माकोपिया एंड फार्मोलरीज को मिला के स्टडी कर रहे हैं। कंपेंडिया के बारे में हमने जो पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन वो ऐसे थी कि द बुक्स विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन थेरापिटिकल यूजेज ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग डोजेज, एडवर्स इफेक्ट्स, फार्माकोकाइनेटिक्स आर नोन एज अ कंपेंडिया। कंपेंडिया क्या चीज़ है? एक ऐसी किताब जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें मिले कि वो जो मेडिसिन है वो किस लिए इस्तेमाल हो रही है, उसकी मिकदार क्या होगी इस्तेमाल करने की, उसके मज़र असरात क्या होंगे, और वो किस तरह बॉडी पे जाके इफेक्ट करेगी। इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें जिस बुक में मिल रही है, हम उसे कंपेंडिया या ड्रग कंपेंडिया कह रहे होते हैं। फिर कलेक्टिवली जब हम फार्माकोपिया फार्मूलरीज की बात कर रहे हैं, तो कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं ड्रग कंपेंडिया। ड्रग कंपेंडिया। अब क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की आपके बुक के अकॉर्डिंग, इसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कंपेंडिया। तो हमने दो तरह की क्लासेस में से डिवाइड किया था, दो तरह से कैटेगराइज किया था, ऑफिशियल बुक्स जिसे हम कंपेंडिया भी कहते हैं, एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स। दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया ड्रग कंपेंडिया को, ऑफिशियल बुक्स एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स। जो एक क्लास है जिसे हम ऑफिशियल बुक्स कह रहे हैं, पहले हम ऑफिशियल बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑफिशियल बुक्स को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी। डेफिनेशन ये थी कि दीज आर बुक्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस विच आर रिकग्नाइज एज अ लीगल स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ बाय गवर्नमेंट एजेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ देयर ओरिजन। आपके मुल्क के जहाँ पे आप रहते हैं, जिस मुल्क के आप शहरी हैं, उस मुल्क की गवर्नमेंट ने या फिर किसी लीगल एजेंसी ने उसे रिकग्नाइज्ड किया हो स्टैंडर्ड वाइज, कि उसमें स्टैंडर्ड वाइज प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ के लिहाज से उन्हें वो मेडिसन से रिलेटेड सब्सटेंस, ड्रग्स के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है, और वो उसे एज अ
लीगल स्टैंडर्ड मानते हैं अपने मुल्क के लिए और एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑफिशियल बुक। अब ऑफिशियल बुक्स की मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी, ऑफिशियल बुक्स ये जिसे हम कंपेंडिया कह रहे हैं उसकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई थी। हमने 8 नाम पढ़े थे जिसमें फर्स्ट था ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे रिकग्नाइज किया एज ऑफिशियल बुक, लेकिन हम पाकिस्तानी भी इसे एज अ रेफरेंस फार्माकोपिया मानते हैं, एज अ रेफरेंस बुक मानते हैं फॉर ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी जिसे USPNF भी कहते हैं, फिर एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जिसे मर्टेंडाइल भी कहते हैं, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड पाकिस्तान फार्माकोपिया। ये नाम थे जो मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आपको ऑफिशियल बुक्स के लिखवाए थे, या हम कह सकते हैं वो ड्रग्स से रिलेटेड बुक्स जिसे हम एज अ ऑफिशियल बुक्स कंसीडर कर रहे होते हैं और रेफरेंस मान रहे होते हैं ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया या ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स या ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, इसे तो हम पाकिस्तान में भी एज अ रेफरेंस बुक कंसीडर कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान फार्माकोपिया के हम फॉलो कर रहे होते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया को, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स को, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरीज़ को, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरीज़ या यूरोपियन फार्माकोपियाज़ को हम ज़्यादा तौर पर रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं अपने मुल्क में। अब आ जाते हैं वन बाय वन इन्हीं की इन्फॉर्मेशन पे, ब्रिटिश फार्माकोपिया हमें क्या बताती है, किस तरह का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए। ब्रिटिश फार्माकोपिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया इज़ अ सोर्स ऑफ ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स इन यूनाइटेड किंगडम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ना सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के लिए ये एज अ सोर्स ऑफ ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स मानी जाती है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी इस्तेमाल हो रही है। इट आल्सो प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स को किस तरह एनालिसिस, उसकी जांच किस तरह की जाती है एक ड्रग की, उसके बारे में तमाम टेस्ट, तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम स्पेसिफिकेशन इस बुक में दर्ज है। इन 1985 द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिशर द ब्रिटिश फार्माकोपिया हैज़ रेस्टेड अपॉन जर्नल मेडिकल काउंसिल। जर्नल मेडिकल काउंसिल को जो है ब्रिटिश फार्माकोपिया की पब्लिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 1885 के अंदर, राइट। 1885 में जर्नल मेडिकल काउंसिल हैज़ गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फार्माकोपिया कमीशन टू प्रिपेयर न्यू एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो वक्तन फ़ावक्तन इसके न्यू एडिशंस आते रहे, अमूमन 5 साल में एक न्यू एडिशन आ जाता है किसी भी फार्माकोपिया का, अमूमन आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान फार्माकोपिया का नहीं आया, इसी वजह से हम दूसरी फार्माकोपिया उसका एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो है रूल यही है कि एटलीस्ट आप 5 साल के अंदर न्यू एडिशन लेके आएँ, ताकि इस ड्यूरेशन में जितने भी न्यू ड्रग्स की इनोवेशन्स हुई हैं, न्यू मेडिसिन आई हैं मार्केट में या बनाई गई हैं, उनके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके। ब्रिटिश फार्माकोपिया में इसके अलावा हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया कंटेन द फ्लोइंग डेटा, मोनोग्राफ्स ऑफ ड्रग्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन सेक्शन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डोजेज फॉर्म्स एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स। ये तमाम पॉइंट्स जिन जो इसमें कवर हैं चीज़ें लाइक क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स एंड मोनोग्राफ्स ऑफ ड्रग्स, ये तमाम चीज़ें, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें ब्रिटिश फार्माकोपिया से मिलती है और हम वहाँ से इन चीज़ों को ईजीली जो है फॉलो कर सकते हैं उसके स्पेसिफिकेशन एंड रूल्स को पढ़कर। फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया की तरफ आ जाते, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स की तरफ आ जाता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BPC भी बोलते हैं। जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें इसे BPC या ब्रिटिश फार्माकोपिया को BP लिखें तो हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो वो गलत कंसीडर होता है। इन अमूमन काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन डिसाइड टू प्रिपेयर रेफरेंस बुक फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर और डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट। ब्रिटेन सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसी किताब बनानी चाहिए जो रेफरेंस बुक के तौर पे मानी जाए, किसके लिए मानी जाए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एंड डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट के लिए, जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं दवाई
उनके लिए भी, और जो डिस्पेंस कर रहा है फार्मासिस्ट उसके लिए भी एक रेफरेंस बुक की ज़रूरत थी। तो 1903 के अंदर एक काउंसिल, जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, ये डिसाइड किया गया कि रेफरेंस बुक बनानी चाहिए। तो उन्होंने फिर द फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स वाज पब्लिश्ड इन 1907 के अंदर इसे पब्लिश किया गया पहली दफ़ा। 1903 के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हमें बुक पब्लिश्ड करनी है, लेकिन इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन, फर्स्ट जो एडिशन आया है वो 1907 के अंदर आया। फिर हमने एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ही कि द डिफरेंस इन ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स कि क्या डिफरेंस है। जब हमारे पास पहले से ही ब्रिटिश फार्माकोपिया मौजूद थी तो फिर ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स ये ब्रिटिश सोसाइटी ने क्यों बनाई, तो उसका जवाब आपकी बुक में ही मौजूद है। तीन पॉइंट्स दिए गए। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन नॉट प्रेजेंट इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ड्रग्स के स्टैंडर्ड्स के बारे में, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के बारे में एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेंशन नहीं था। ब्रिटिश फार्माकोपिया में जस्ट मोनोग्राम्स ऑफ ड्रग्स थे, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट थे एंड आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स थे। लेकिन यहाँ पर जब ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स पब्लिश हुई तो उसमें शामिल किया गया कुछ और पॉइंट्स को, जिसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स, सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शामिल थी। सेकंड पॉइंट में वो बताते हैं कि ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स जो है आल्सो कंटेन फार्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डोज, कंटेनर, स्टोरेज कंडीशंस ऑफ द प्रिपरेशन विच आर कंपाउंड एंड डिस्पेंस्ड इन अ फार्मेसी। साथ के साथ ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर शामिल किया गया कि किस तरह बनाया जाता है किसी भी मेडिसिन को, उसका जो फार्मूला है वो, मेथड क्या है प्रिपरेशन का, कितनी मकदार में हम दे सकते हैं उसे, कंटेनर स्टोरेज कंडीशन कि किस तरह उसे डिस्पेंस करने के लिए वो कौन सी स्टोरेज कंडीशन है जिससे जो पैकिंग से रिलेट करे, उसकी पैकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसकी स्टोरेज से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन, ख़ास तौर पे जो फार्मेसीज में डिस्पेंस किए जा रहे हैं कंपाउंड और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि उन्हें किस तरह स्टोर और किस तरह पैक करके डिस्पेंस किया जा सकता है, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में शामिल की गई। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स आल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एक्शन एंड यूजेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स, प्रकॉशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। इसके साथ से ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि कोई भी मेडिसिन कहाँ इस्तेमाल करनी है, उसका अमल क्या होगा, उसके जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट हैं वो क्या होंगे, और हम कौन कौन से प्रिकॉशन एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं पॉइजनिंग से रिलेटेड। ये तमाम चीज़ें जो थी ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स के अंदर कवर की गई। फिर हमने थर्ड जो हमने पढ़ा था वो था ब्रिटिश नेशनल फार्मूले, जिसे BNF भी कहते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया आपको हमारी जो लाइब्रेरी है कॉलेज की वहाँ पे भी मिल जाएगी, BNF भी हमारी जो है लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। BNF वाज पब्लिश्ड बाय अ ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी अंडर द अथॉरिटी ऑफ ज्वाइंट फार्मूलरी कमेटी। इसको पब्लिश करने वाली जो एसोसिएशंस थी वो थी ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी। इन्होंने मिलकर BNF को पब्लिश किया। इट कंटेंस डिटेल ऑफ ऑल द मेडिसन, इसके अंदर मेडिसन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, वो मेडिसन खासतौर पर जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर, UK के अंदर प्रिस्क्राइब की जाती हैं। दिस ड्रग, अब ये कह सकते हैं दिस बुक इज लीगली यूज एज अ टेक्स्ट बुक फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन इन UAE एंड UK। इसको रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन के लिए एज अ टेक्स्ट बुक यूज़ किया जाता है यूनाइटेड किंगडम में भी और UAE में भी। तो इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि हम ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी को जो एज अ ऑफिशियल बुक कंसीडर कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि UK और UAE के जो एग्जामिनेशन है, रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, उसमें से एक टेक्स्ट बुक की हैसियत हासिल है।
इट इज़ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रेफरेंस बुक डेट कंटेंस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिस्क्राइबिंग एंड फार्माकोलॉजी. ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है प्रिस्क्राइबिंग के बारे में भी, और साथ के साथ में फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन दे रही है कि फार्माकोलॉजिकली कैस किस तरह इफेक्ट कर रही है ये हमारी बॉडी पे जाके कोई भी मेडिसन. इट आल्सो कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजेस, एक्शंस, प्रकॉशन, कंट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स एंड डोजेज फॉर्म आल्सो. तो ये था हमारा BNF के बारे में. मैंने आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे दिया क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में इसे लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं. इसके बाद आ जाते हैं हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी में. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी में हम लोगों ने पढ़ा था एज अ ऑफिशियल कंपेंडिया के तौर पर ये कंसीडर की जाती है ऑफ यूनाइटेड स्टेट. दीज बुक्स आर यूज एज अ रेफरेंस बुक फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी एंड पैकिंग लेबलिंग ऑफ ड्रग्स. रेफरेंस बुक के तौर पर हम यूज़ करते हैं किसी भी ड्रग की लेबलिंग के लिए, पैकिंग के लिए, प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ के बारे में जब हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है. यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1820. ओरिजिनली ये 1920 के अंदर पब्लिश हुई अंडर द अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वर्जन एंड नेशनल फार्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन 1888. इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ये हमें बताती है, किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है हमें. ये हमें डोजेज फॉर्म्स के बारे में बता रही है, साथ में ड्रग सब्सटेंस के बारे में, एसीपीएंट्स के बारे में, मेडिकल डिवाइसेस एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में हमें नॉलेज देती है. इस बुक से हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं ड्रग सब्सटेंस के बारे में, एक्सीपीएंट्स के बारे में. ड्रग सब्सटेंस मीन एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एज अ एक्टिव केमिकल के तौर पर यूज़ हो रहे हैं. एक्सीपीएंट्स जो कि एडिटिव्स के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, जो फार्माकोलॉजिकल तौर पर तो एक्टिव नहीं है लेकिन वो मेडिसिन को डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं. मीन्स के फार्माकोलॉजिकली तौर पर इनएक्टिव हैं लेकिन वो हमारी मेडिसिन का हिस्सा है. अदर देन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सीपिएंट्स तो उसकी डिटेल भी इसके अंदर मौजूद है. साथ के साथ मेडिकल डिवाइसेस, जो मेडिकल डिवाइसेस हम हेल्थ से रिलेटेड इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम की डिटेल, डाइटरी सप्लीमेंट्स जैसे आयरन, मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर शामिल किए गए इस बुक के अंदर. और नाउ फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड बोथ USPNF एंड NF पब्लिश अंडर द हेडिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी. 1980 के बाद इसे एक कंप्लीट नाम के तौर पे जिस तरह हम जोड़ के पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी, इसी तरह इसको इसी हेडिंग के साथ पब्लिश किया जाने लगा. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी के बारे में. अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया एंड मर्टेंडाइल के बारे में. एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन 1883 के अंदर पब्लिश हुई, विलियम मर्टेंडाइल ने इसे पब्लिश किया, इसीलिए इसे मर्टेंडाइल के नाम से भी बोला जाता है और अभी भी इसी नाम से बोला जाती है. दिस इज़ द रेफरेंस बुक ऑन ड्रग्स एंड इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स एंड मेडिसन्स. ये जितनी भी लेटेस्ट इनोवेशन आ रही हैं मेडिसन्स में उससे रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है और ये हमें प्रोवाइड भी करती है. यहाँ पे दिखाई गई है, मैंने आपको तस्वीर दिखाई है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया की, फिर यहाँ पे इंटरनेशनल फार्माकोपिया मौजूद है, साथ में इसकी सॉफ्ट कॉपी भी CDs एंड DVDs में भी अवेलेबल है. इंटरनेशनल फार्माकोपिया जैसे कि नाम से जाहिर है इंटरनेशनल, तो इट्स मीन कि पूरी दुनिया में यकसां तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली किताब है. ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया वाज पब्लिश बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिश किया है. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिश किया. इंटरनेशनल फार्माकोपियाज में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हमारे फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स के बारे में बताती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, कि किसी भी मेडिसिन में या ड्रग में जब डेवलपमेंट वक्त के साथ साथ आती रहती है, न्यू मेडिसिनल एजेंट्स हमारे सामने आते हैं और उन्हें हम न्यू ड्रग्स एजेंट्स को हम मेडिसिनल सब्सटेंस में ढालते रहते हैं. इन तमाम टेक्निक्स जो इसके लिए इस्तेमाल होती हैं वो इसके अंदर शामिल की गई हैं. ड्रग फॉर्मूलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में बताया गया एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल फार्माकोपिया से हमें मिल जाती है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया इसको और फार्मास्यूटिकल टेक्निक्स फॉर डिवेलपमेंट ऑफ ड्रग्स, ड्रग फार्मूलेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसन्स की इन्फॉर्मेशन ये हमें देती है इंटरनेशनल फार्माकोपिया. पाकिस्तान फार्माकोपिया पे आ जाते हैं. पाकिस्तान फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान
ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान की जानिब से पब्लिश करता है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी इन 1964 में पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई जिसे नाम दिया गया पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी। तो पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी को ये काम दिया गया कि वो पाकिस्तान फार्माकोपिया बनाए। तो हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड पाकिस्तान फार्माकोपियल कमेटी इन 1964 फॉर प्रिपरेशन ऑफ पाकिस्तान फार्माकोपिया। इट्स फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1973 बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसका पहला एडिशन जो पब्लिश्ड हुआ है वो 1973 में हुआ है। ये डेट्स को आप याद रखिएगा कि जो 1964 डेट है उसमें कमेटी बनाई गई थी, कमेटी तश्कील पाई थी कि हमें एक फार्माकोपिया बनानी है, नेशनल फार्माकोपिया बनानी है, पाकिस्तान फार्माकोपिया। और ये पब्लिश पहली दफ़ा हुई 1973 में, किसके जानिब से हुई? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पाकिस्तान की जानिब से। इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई? इट कंटेन्स द मोनोग्राफ्स ऑफ नंबर ऑफ ड्रग्स, बहुत सारे सब्सटेंस के बारे में, ड्रग सब्सटेंस के बारे में के मोनोग्राफ्स इसमें शामिल किए गए। हम लोग एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे होते हैं BNF को या फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया को। उसकी वजह यही है कि 1973 के बाद इसका कोई लेटेस्ट एडिशन नहीं पब्लिश्ड हुआ, और इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारे न्यू मेडिसिनल एजेंट्स, ड्रग एजेंट जो हैं वो हम इस्तेमाल करते रहे, मार्केट के अंदर आते रहे, और वो तमाम की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि तो 1973 के से पहले पहले जो सब्सटेंस मौजूद थे, ड्रग सब्सटेंस, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें देती है। उसके बाद वाले जब हमें न्यू इनोवेशंस हुई चीज़ों के अंदर, वो हमें इन्फॉर्मेशन इसमें से नहीं अवेलेबल। इसीलिए हम ब्रिटिश फार्माकोपिया या ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ अरसे के बाद अपना न्यू एडिशन ले आती है मार्केट में। ये था पाकिस्तान फार्माकोपिया। फिर है हमारा लास्ट ऑफिशियल बुक जो है यूरोपियन फार्माकोपिया। यूरोपियन फार्माकोपिया में शामिल होते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन दे रही होती है? ये एक्टिव सब्सटेंस के बारे में दे रही है इन्फॉर्मेशन, साथ के साथ एक्सीपिएंट्स के बारे में दे रही है जो हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन यूरोप। खासतौर पर यूरोपियन फार्माकोपिया है, तो यूरोपियन फार्माकोपिया नाम से याद रखिए, यूरोप में जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उनमें जो चीज़ शामिल की जा रही है, चाहे वो एक्टिव सब्सटेंस हो या एक्सीपिएंट्स एडिटिव्स के तौर पे जो चीज़ हम इस्तेमाल करें बनाने के दौरान, वो हो उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ये लिस्ट ऑफ एक्टिव सब्सटेंस इसके अंदर मैंशन है। 2000 के करीब मोनोग्राफ्स शामिल किए गए हैं मेडिसिन एंड ड्रग्स से रिलेटेड। इसमें केमिकल सब्सटेंस भी शामिल हैं, एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं, बायोलॉजिकल सब्सटेंस भी शामिल हैं, वैक्सीन्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल, हर्बल ड्रग्स और होम्योपैथिक प्रिपरेशंस की इन्फॉर्मेशन भी यूरोपियन फार्माकोपिया के अंदर इंक्लूड की गई। ये थी यहाँ तक ऑफिशियल बुक्स, ये हमारा ऑफिशियल बुक्स का इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाते हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स की तरफ, ठीक है। नॉन ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं? ऐसी बुक्स जो कि ऑफिशियल बुक्स के अलावा हों, अदर देन ऑफिशियल बुक्स हों, लेकिन हमें वो इन्फॉर्मेशन दे रही हों ड्रग्स का, और हम उसे एज अ सेकेंडरी सोर्स यूज़ कर रहे हैं। ऑफिशियल बुक्स तो हो गए ना, लीगल एजेंसी या जिस आप मुल्क में रहते हैं या कोई सी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पब्लिश किया और एज अ ऑफिशियल बुक रेकमेंड भी किया, लेकिन एज अ सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पे हम बहुत सारी किताबें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अदर देन ऑफिशियल बुक्स हैं, लेकिन हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दे देती हैं मेडिसिन एंड ड्रग्स के बारे में। उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी रेफरेंस बुक्स या नॉन ऑफिशियल बुक्स। हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे, द बुक्स अदर देन ऑफिशियल बुक्स, ड्रग कंपेंडिया विच आर यूज्ड एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन ऑफिशियल बुक्स। द कॉमन नॉन ऑफिशियल बुक्स के अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो वो हैं मर्क इंडेक्स, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी। ये कुछ नाम हैं जो कि नॉन ऑफिशियल बुक में आप एज एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मर्क इंडेक्स क्या है? ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द केमिकल ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल्स है। इसमें एज इंसाइक्लोपीडिया मानी जाती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है केमिकल ड्रग्स के बारे में, बायोलॉजिकल्स के बारे में। ये पब्लिश्ड हुई थी 1989 के अंदर, मर्क एंड को ने इसे पब्लिश किया था, उसी पे इसका नाम रखा गया। यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी में हम अमूमन कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ्स है ड्रग्स रिकग्नाइज बाय यूनाइटेड स्टेट, और इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट हैं रिएजेंट्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, ऑफ USPNF के बारे में।
दर्ज किया गया है। साथ के साथ इसमें विटनरी मेडिसन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एक और एग्जांपल है, हमारी लाइब्रेरी में भी मौजूद है कॉलेज की, में अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग। तो कैटजंग की पूरी एक सीरीज़ है और इसमें मौजूद जो सीरीज़ में मौजूद जो बुक्स हैं वो हम एज अ सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये नॉन ऑफिशियल बुक के तौर पर कंसीडर होती है। तो द अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटजंग, यह हम कहते हैं कि सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स है। द बुक कंटेन अ डिटेल्ड नॉलेज रिगार्डिंग द ड्रग्स एंड द एक्शन ऑन ह्यूमन, ह्यूमन के ऊपर किस तरह एक्ट कर रही है कोई भी मेडिसन, और मेडिसन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। रेंगमिंटन द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी एक बुक है, ये भी हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। इस बुक के अंदर डिटेल्ड नॉलेज है रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। डिफरेंट वॉल्यूम्स इसके अवेलेबल, हमारी लाइब्रेरी में भी तीन वॉल्यूम मौजूद हैं। आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया 2 वॉल्यूम्स, लेकिन अब इसके 3 वॉल्यूम्स अवेलेबल होते हैं। तो रेमिंटन द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इसका डिटेल्ड नाम है, वैसे हम रेमिंटन बोलते हैं इसको, ये रेमिंटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ये थी नॉन ऑफिशियल बुक्स। अब आपके जिस चैप्टर है इसका मैंने क्विक रिव्यू आपको समझा दिया है, चैप्टर एंड हो गया था, कंप्लीट हो गया थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नाम था हमारा जैसा कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस ऑफिशियल बुक्स यूज्ड इन फार्मेसी, लेकिन हमने साथ के साथ नॉन ऑफिशियल बुक्स को भी स्टडी कर लिया है। ऑफिशियल बुक्स भी हो गई, नॉन ऑफिशियल बुक्स भी हो गई, फार्माकोपिया के बारे में भी आपने जान लिया, कंपेंडिया के बारे में भी आपने जाने, साथ के साथ क्लासिफिकेशन भी कवर हो गई। इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताए थे, फार्माकोपिया की डेफिनेशन तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ के साथ जो 8 नाम लिखे गए ऑफिशियल बुक्स के वो आपने एज इट इज़ याद करने हैं, उनमें कोई भी लफ्ज़ आगे पीछे नहीं होता क्योंकि वो रेकमेंडेड नेम है। किस डेट पे पब्लिश्ड हुई ये आप याद रखोगे, वो कौन सी एजेंसी, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन से पब्लिशर्स थे जिन्होंने उन्हें पब्लिश्ड किया, ये याद रखोगे। साथ के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, वो अपने माइंड में रखिएगा कि एक फार्माकोपिया में को दूसरे फार्माकोपिया से अगर डिफ्रेंशिएट करना पड़ जाए तो आप कौन से पॉइंट हैं जिनको लेके इन्हें आपस में डिफ्रेंशिएट करोगे। नॉन ऑफिशियल बुक्स एंड ऑफिशियल बुक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी अपने पॉइंट्स अपने माइंड में रखिएगा कि आप डिफरेंसेस किस तरह राइट डाउन करते हैं। एग्जांपल्स दोनों की याद रखनी है, नॉन ऑफिशियल की भी और ऑफिशियल बुक्स की भी। ये आज का लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।